नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीजू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का AISC डिपार्टमेंट का म्यूज़ियम है, जिसमें हम लोग वहाँ पे रखे गए अभी तक के जितने भी एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं, उसका एक पूरा छोटा सा परिचय जानेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि परिचय बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर BR मनी सर हैं, जो कि राम मंदिर की खुदाई में उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्हीं के दिशा निर्देशन में उसकी खुदाई हुई थी। तो यहाँ पे देना तो प्रणाम सर। सर, हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे स्टार्टिंग से कि अभी ये जो चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है? देखिए, प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह ने दो बड़े इम्पोर्टेंट एक्सकवेशन किए थे इस डिपार्टमेंट की ओर से, डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी की ओर से। उसमें दोनों की ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ये जैसा आप देख रहे हैं, इमलीडीह खुर्द डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, यहाँ, और दूसरा है नरहन। इन दोनों जगह से प्री NBP डिपॉजिट के अवशेष मिले। NBP को हम अब आज के कंटेक्स्ट में करीब 1100 ईसा पूर्व का मानते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उससे पुरानी हैं, यानी कम से कम 1300-1400 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। 13-1400 BC। हाँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पॉटरी है, पॉटशर्ट्स हैं, ये कॉर्ड इम्प्रेस पॉटरी है। कुछ इसमें हैंडमेड हैं, कुछ व्हील मेड हैं। और इन्हीं के साथ साथ ये जो पॉटरी देख रहे हैं, एक साइड में रेड कलर का है और दूसरे साइड में ब्लैक कलर है। तो ब्लैक एंड रेड वेयर इसलिए उसको बोलते हैं। इसी तरह से ब्लैक स्लिप्ड वेयर भी होता है, वो शायद यहाँ होगा। तो ये पॉटरी जो है ना, ये प्री NBP लेवल से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू करती है NBP लेवल तक। MLD के बाद ये देखिए जो है आपका अज्ञावीर, ये एक्सकवेशन किया था, जिसमें हमारे प्रभाकर जी भी थे और लोग थे, अशोक सिंह थे, ये अपनी विभाजी थी, विभा त्रिपाठी। तो इन लोगों ने इसका एक्सकवेशन किया और एक बड़ा इम्पोर्टेंट साइट उभर के आया, जो इसका था, ख़ास तौर से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का साइट है, और इसकी डेट भी 900 ईसा पूर्व तक गई है, 900 BC। हाँ, और यहाँ से आप देखें, जैसे ये वोटिव टेराकोटा का वोटिव टैंक है, ये एक रिचुअल के रूप में इसका उपयोग होता था, ख़ास तौर से शुंग और कुषाण काल में। ये वहाँ से प्राप्त हुआ है, और ये बड़ा अच्छा एविडेंस है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट वोटिव टैंक मिला है। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और इस तरह के वोटिव टैंक बंगाल में आज भी बनाए जाते हैं, जिसमें कॉर्नर्स पे कोई जानवर या चिड़िया बैठाते हैं, सीढ़ियाँ दिखाते हैं कुछ वाटर एनिमल्स नीचे जाने, कछुआ वगैरह है क्या वो? हाँ, वो भी रहते हैं, इसीलिए इसको टैंक बोलते हैं ना। तो टेराकोटा वोटिव टैंक। फिर सीलिंग्स हैं जो वहाँ से प्राप्त हुई हैं, 1st-2nd century BC and AD की। यहाँ अगर आप देखें तो ये चमकदार जो ओप वाली पॉलिश तो खैर नहीं है, लेकिन इसी पॉटरी को नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहते हैं, जो अपने आप में उतने प्राचीन काल में एक बहुत ही डीलक्स टाइप की पॉटरी थी। और इसके दो प्रकार मिलते हैं, एक तो कटोरे और दूसरे थाली। तो ये कंटिन्यू करती है 1100-1200 BC से लेकर के और करीब 3rd century BC तक, मौर्य काल तक, उस समय से लेकर काफ़ी बाद तक रहा ये। हाँ, इसी तरह से यहाँ ये जो सोर्ड्स आप देख रहे हैं, ये आयरन के सोर्ड्स हैं, और इनको उसी पीरियड के लास्ट फेज में रखा जाता है, जिसमें ये
दोनों तरफ की तलवारें हैं, इसमें हिल्ट बना है पकड़ने के लिए और स्ट्रेट सोर्ड्स हैं। ये भी 400 से 200 ईसा पूर्व के बीच में। सर ये क्या है? ये बोन पॉइंट्स हैं, इसको शलाका भी कहते थे। इसमें कुछ एरो हेड्स भी हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इनको किसी लकड़ी के उसमें बना करके छोड़ा जा सकता है। रियल में बोन ही है ये, बोन है हड्डी के, और एरो अगर जो होता है उसके आगे लगा के उसमें भी यूज करते हैं, मल्टीपर्पज यूज है इसका, मल्टीपर्पज। ये आप देखें, जैसा कि मैंने अभी इमली डी के बारे में बात की, उसी तरह से ये नरहन दूसरा साइट है गोरखपुर का, जो प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह जी ने जिसका उत्खनन करवाया था। और यहाँ कुछ खास चीज़ें हैं, जो बड़े पॉट तो आप देख ही रहे हैं, जिसमें ब्लैक स्लेब, ब्लैक एंड रेड, और साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं वाइट पेंटेड ब्लैक स्लेब, ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसमें वाइट कलर की पेंटिंग्स हैं, ये भी हैं। सर इसके बारे में बता रहे थे आप, ये फुहारा, ये जो है वो एक, इसको स्प्रिंकलर बोला जाता है, स्प्रिंकलर, जिसकी शुरुआत लेट शुंग और कुषाण काल में होती है। अच्छा, ये सिंचाई हुई पौधे को पानी वानी देने के लिए? नहीं, पौधे के लिए नहीं, ये एक, वैसे देखा जाए अगर स्कल्पचर्स में हम देखते हैं तो ये कुषाण काल से गुप्त काल तक चलता है, और गुप्त काल के स्कल्पचर्स में खास तौर से मैत्रेय जो डीटी है उसके हाथ में दिखाया जाता है। इसके अंदर यहाँ से पानी भरते थे, है इस होल से, या यूँ कहें कि एक तरह की टोटी है पानी भरने, और उसके बाद उसको बंद कर देते थे। और यहाँ जो ये लंबा हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें बीच में होल है, वहाँ से स्प्रिंकल किया जाता था पानी, जैसे लोग बैठे हुए। हाँ, अच्छा, वेलकम टाइप में। हाँ, तो आज कुछ, भी जैसे कुछ परफ्यूम टाइप का रहेगा कुछ, हाँ, वो अंदर रख के, अंदर रख के वो लोग इसको एक मान्यता है कि रिचुअल्स में आता होगा, गेस्ट वगैरह आएगा तो उनके लिए। अभी भी तो है कुछ मुसलमानों की शादी वगैरह में जैसे लोग, हाँ, होता है, छिड़कते हैं उसको। और इस तरह से राजघाट, वाराणसी का ही है। हाँ, ये बिल्कुल राजघाट, काशी राजघाट बोलते हैं। यहाँ प्री NBP से लेकर के और आज तक का इतिहास सुरक्षित है। इस राजघाट की उत्खनन सबसे पहले 1940 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, जब डॉक्टर कृष्णदेव के अंतर निर्देशन में। उसके बाद कई वर्षों तक प्रोफेसर AK नारायण, प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह और उनके दूसरे जो इस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, उन्होंने 7-8 वर्षों तक इसका एक्सकवेशन का काम किया। अभी लास्ट एज क्या है इसका, सबसे पुराना में? एक्चुअली इसकी डेट 800 ईसा पूर्व रखा था प्रोफेसर नारायण ने जब एक्सकवेशन किया था, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए कि काशी को ये माना जाता है एटर्नल सिटी है, तो सिर्फ 800 ईसा पूर्व नहीं होगी, पुराना होगा और ज़्यादा। तो 2013-14 में हम लोगों ने, मैं था उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे में था, और ज्ञान प्रवास से प्रोफेसर विदला जायसवाल, जो कि इसी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर रही हैं लेकिन रिटायरमेंट के बाद ज्ञान प्रवाह में गई, तो हम लोगों ने इसका ज्वाइंटली एक्सकवेशन किया। और यहाँ से जो कार्बन सैंपल मिले उनकी डेटिंग करवाया, तो 1600 BC तक के, 16 BC तक गया, 16th century BC, ऑलमोस्ट नियर अबाउट इंडस वैली। हाँ, इंडस वैली का जो एंड फेस है, वहाँ तक ये जाता है। और कह नहीं सकते, अगर फर्दर और देखा जाए तो और अर्ली भी जा सकता है, क्योंकि 1600 से 1800 BC के आसपास रामनगर में और अक्था में, बनारस के ही एरिया में, दूसरे एक्सकवेशंस में वही डेट आई। मैं सभी और खोज की जरूरत है, मिलेगा फ्यूचर में, मिलना चाहिए। ये भीतरी एक टेंपल साइट है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, बनारस से ज़्यादा दूर नहीं है।
और पड़ोसी जिला है तो। हाँ, तो भीतरी में कुछ टेंपल रिमेन्स हैं और वहाँ अब आप देखें वो जो स्प्रिंकलर आपने देखा था उसका डेवलप्ड फॉर्म यहाँ आपको दिख रहा है जो गुप्त काल का है। पहले मतलब बड़ा था, फिर धीरे धीरे उसको उन्होंने मिनिमाइज करा। हाँ, और डेकोरेट किया। जैसे ये है डेकोरेटेड, आप देख रहे हैं इजली कैरी हो रहा है, या उसका जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा इलांगेट कर दिया, पतला कर दिया, ये जो उसकी गर्दन है और लंबी हो गई। तो ये उसी टेम्पल साइट से मिला है और ये सिंगल कल्चर साइट है गुप्त काल का। तो भीतरी में, भीतरी का एक्सकवेशन प्रोफेसर के सिन्हा ने कराया था, लेकिन ये जो मटेरियल है बाद में उन्होंने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी तो प्रोफेसर विदला जायसवाल ने इसकी रिपोर्ट लिखी। तो एक साल उन्होंने भी इसका एक्सकवेशन कराया उस समय की रिपोर्ट में, उस समय के ही ये फाइंडिंग्स हैं। तो फाइनली हम लोगों ने अभी BHU के AISC डिपार्टमेंट का जो म्यूज़ियम है उसका पूरा हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो शूट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सर के नाम से खुद म्यूज़ियम है और फ्यूचर में अगर ऐसा मौका मिला कभी वहाँ घूमने का तो हम लोग ज़रूर घूमेंगे वहाँ पे भी। सो आप लोग देखते रहें, बाकी प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार।